हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूँ रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चिकित्सा के संबंधित महत्वपूर्ण खोज एवं उसके आविष्कार पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। तो सबसे पहले आता है आविष्कार, और इधर आविष्कारक का नाम है, ठीक है? कौन सा आविष्कार हुआ है और उसका आविष्कारक का नाम। तो विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक है। और ब्लड ग्रुप का लैंड स्टेनर ने। तो दोनों को याद रखना कि विटामिन का खोज किसने किया? फंक। तो विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। और ब्लड ग्रुप का लैंड स्टेनर ने। जब ब्लड ग्रुप का बात आता है तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है, वो किसी ग्रुप से ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबको देता है, तो उसके चलते उसको सर्वदाता कहते हैं। दूसरा आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? मैकुलन। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। तीसरा है विटामिन बी। तो विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। तो याद रखना है कि विटामिन ए और बी की खोज किसने की? तो मैकुलन ने। और बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। और विटामिन बी जो है वो वाटर में घुलनशील होता है, ये भी याद रखना है पॉइंट। चौथा नंबर कर रहा है कि विटामिन सी। तो विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो होलकर ने। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, ठीक है? उसके बाद आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी की खोज किसने की थी? होपकिंस ने। और विटामिन सी की खोज किसने की? होलकर्ट ने। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है? और भाई विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। हृदय प्रत्यारोपण जो है इसका खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बेनार्ड ने। हृदय प्रत्यारोपण का खोज किसने किया था और ये सफल पाया? तो क्रिश्चियन बेनार्ड ने। होम्योपैथी का आविष्कारक कौन है? तो हनी मैन है। विटामिन के कौन है? फंक है। विटामिन ए के मैकुलन है। विटामिन बी के भी मैकुलन है। विटामिन सी के होलकट है। और विटामिन डी के कौन है? तो हाफकिंस है। और हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बेनार्ड ने। होम्योपैथी का खोज किसने की? तो हनीमैन ने। याद हो गया इतना आप लोग को? अब हम लोग अगला देखते हैं। आठवां नंबर कह रहे कि मलेरिया परजीवी। तो मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रास ने। मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रास से। एंटीजन, एंटीजन का खोज किसने किया? तो लैंड एस्टिनर ने। अब ब्लड ग्रुप का भी खोज किसने किया? तो लैंड एस्टिनर ने। चेचक का टीका, चेचक का टीका किसने खोज किया? तो एडवर्ड जेनर ने। टीवी बैक्टीरिया, टीवी का जो बैक्टीरिया होता है उसका खोज किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने। अब पेंसिलिन का खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब बैक्टीरिया का खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हॉक ने। अब पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया? तो जॉनी साल्क ने। पोलियो वैक्सीन का किसने किया? जॉनी साल्क ने। जिसे मैं सीआईडी में ना था सालुकी, उसी तरह से पोलियो वैक्सीन का खोज ये किसने किया? तो जॉनी साल्क। याद रखना है बैक्टीरिया का खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हैग ने। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। टीवी बैक्टीरिया का रॉबर्ट कोच ने। चेचक का टीका का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। एंटीजन का लैंड एस्टेनर ने। ब्लड ग्रुप का भी लैंड एस्टेनर ने। मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया? तो रोनाल्ड रॉस ने। होम्योपैथी का खोज किसने किया? तो हनी मैन ने। हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार किसने किया? तो क्रिश्चियन बेनार्ड ने। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अब विटामिन डी का खोज किसने किया? तो होपकिंस ने किया। विटामिन डी तक बात कर लिए, तो विटामिन ई जो है उसकी कमी से क्या होता है? जनन शक्ति में कमी होता है, ठीक है ना? और विटामिन ई सब क्या है? वसा में घुलनशील होता है। अब विटामिन बी और सी क्या होता है? वाटर में घुलनशील होता है। उसका याद करने का एक ट्रिक है, डब्ल्यू बी सी। विटामिन का डब्ल्यू बी सी मतलब समझ रहे, वाटर में जो है विटामिन बी, विटामिन बी का कोई भी B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B12, B4 नहीं होता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर में घुलनशील है, और बाकी के जो भी विटामिन बच गया वो सब वसा में घुलनशील है, याद रखना है, इसका ट्रिक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि विटामिन का खोज किसने किया? फंग ने। विटामिन ए का मैकुलन। विटामिन ए का खोज किसने किया? मैकुलन। विटामिन बी का मैकुलन। विटामिन सी का होलकट। विटामिन डी का होपकिंस ने। हृदय प्रत्यारोपण का क्रिश्चियन बेनार्ड ने। होम्योपैथी का हनीमैन ने।
रोनाल्ड परजीवी का रोनाल्ड रॉस ने खोज किया। एंटीजन का किसने खोज किया? तो लैंड स्टीनर। चेचक का टीका का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। टीबी बैक्टीरिया का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने। पेंसिलिन का खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बैक्टीरिया का खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हेग ने। पोलियो वैक्सीन के खोज किसने किया? तो जॉनी साल्क ने। हम लोग देख ही लिए कि विटामिन ई की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी के B1 या बी के कमी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन सी का कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन ई के कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाता है, और विटामिन के कमी से क्या होता है, रक्त थक्का नहीं जमता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू।